Well, gentlemen, welcome to the second phase of online teaching classes, as directed by Higher Education Department, Punjab. Here I am, Shrief Zaid, Assistant Professor of English from Government Postgraduate College at. Turk. Well, we were in the mid of memories, thousand re. Collections, little incidents, arguments that were funny, that may be urgent at that time, and now they were simply in the mind of Mr. Chips. He is recalling so many things, for example, there was the incident of. Uh, uh, an instrument musical instrument which was being played the second incident about the classroom that is old fifth form why that was called the pit and there is the mention of so many fronts war fronts for example there is waterloo uh, attack of 45 etc etc so, when he used to recall such like incident, often it was his desire that he must make a diary he should jot them down, and he tried his level best, but he could not succeed because he was physically tired and Secondly, where we were at the last uh, in the last chapter was the point was this that he did not wish to jar them down because he says that doing so will uh, end up their flavor उन यादों का यादों ही में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए कि जब उनको लिख लिया जाए तो उनकी वो वाला मज़ा नहीं रहता सो लेट इस स्टार्ट फ्राम द प्लेस वी लेफ्ट दैट सच मेमरीज लास्ट मच ऑफ देयर फ्लेवर वेन देवर रिटर्न डाउन फॉर एग्जाम्पल ही कॉन्टीन्यूज दैट द स्टोरी अबाउट रेस्टन एंड द सैक ऑफ पोटैटोज फॉर इंस्टेंस दिज आर वेरियस इंसिडेंट्स इट वुड सीम क्वाइट टेम इन प्रिंट वेन आई विल राइट दैम डाउन तो इनकी औरिजिनेलिटी ख़त्म हो जाएगी बट लॉर्ड हाउ फनी इट हैड बीन एट द टाइम इट वॉज फनी टू टू रिमेंबर इट कितना मज़ा उस वक्त आता था अब मुझे याद करते हुए उतना ही मज़ा आ रहा है दो पर हैप्स इफ यू डिडेंट रिमेंबर राश्टन एंड हुए याद होगा एनी हाउ आफ्टर ऑल दोज ईयर्स इट वॉज सच अ लॉन्ग टाइम अ गो मिस विकेट डेड यू एवर नो अ फेलो नेम राश्टन एड्रेसिंग हर He says, क्या आपको याद है बिफोर योर टाइम आई डेयर से आपसे पहले पर हैप्स वो चला गया था वेन टू बॉमा इन समय यो वेरी फनी फेलो रास्टन सो री कॉलिंग ऑल ऑफ दैम ही इज शेयरिंग विद मिस विकेट एंड दिस इज ऑल्सो अ मेमरी ये भी याद ही है एंड देर ही वॉज ड्रीमिंग अगेंस्ट अगेन बिफोर द फायर ड्रीमिंग ऑफ टाइम्स एंड इंसिडेंट्स इन विच ही अलोन लोन को टेक सीक्रेट इंटरेस्ट ऐसी बातें जो फकत उसको एंजॉय और वही मजा कर सकता था इसलिए कि उस एज का कोई बंदा था ही नहीं फनी एंड सैड कॉमिक एंड ट्रेजिक दे ऑल मिक्सड अप इन हिज माइंड एंड सम डे हाउ एवर हार्ड इट प्रूवड ही वुड साट दैम आउट एंड मेक ए बुक ऑफ दैम उसकी ख्वाहिश तो थी कि मैं इन्हें सेपरेट करूँ सेग्रीगेट करूँ फनी और कामिक एक साइड पर कर दूँ सैड और ट्रैजिक दूसरी तरफ कर दूँ और लिख लूँ और उनकी एक डायरी बना लूँ जेंटल मैं स्विच ओवर तो टू चैप्टर एट दिस इज एन अदर मेमरी एंड पर All these memories would end on this incident. This is a sad incident in chapter 8. So, uh, let us go through that. And there was always in his mind that suffering day in 98, 1898 when he had paced through Brookfield Village.

मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज होगा यंग फॉकनर हैड मेट हिम देर इन द दे लेन आउटसाइड द स्कूल सो so, उसको एक ऐसी याद आई एक ऐसा इंसिडेंट एक लड़का जिसकी मुलाकात हो गई इत्तफाक से अपने सर से और उस लड़के का जेन्युइन प्रॉब्लम भी था तो उसने परमिशन ली तो सीकिंग दैट परमिशन ही आस्क प्लीज सर मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ माई पीपल आर कमिंग अप इट मीन्स देर वर सम गेस्ट्स सो ही हैड टू अटेंड दैम एंड ही सार्ट इ लीव ऑफ यू मे से हाफ डे डेली आफ्टरनून ऑफ कि सर मैं आफ्टरनून के टाइम पे घर चला जाऊं मेरे कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं Uh, now, you will have to consider the condition of Mr. Chips at that time. First time he sought permission, young Faulkner, please sir, may I have the afternoon off? My people are coming up. Oh, what is that? Oh, yes, mean he could not pick up. मिस्टर चिप्स पिक अप इस बच्चे का मसला क्या है बिकॉज ही हिम सेल्फ वॉज बरीड डीप डाउन इन टू द रिकोलेक्शन तो कहते हैं अच्छा क्या मसला तो पहला मसला था कि सर मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ तो सेकेंड प्रॉब्लम भी उसी बच्चे ने उसी वक्त दे दिया वो कहते हैं कैन आई मिस चैपल टू सर सर मे आई हैव द लीव नॉट टू अटेंड द चर्च टूडे नॉट ओनली आफ्टरनून ऑफ फ्रॉम स्कूल ना ऑफ फ्रॉम चैपल एस वेल वो कहता है यस यस यहां तक तो ठीक है तीसरा फिर क्वेश्चन वो कर देता है कि एंड कैन आई गेट टू द स्टेशन टू मीट दैम सर क्या मुझे परमिशन है कि मैं उनको रिसीव करने स्टेशन भी चला जाऊं अब याद कर रहे हैं मिस्टर चिप्स इन आंसर्स से मुराद ये है कि उसका जी चाहता था कि उस बच्चे को यूं कह दे तो पहले मैं वो तीन क्वेश्चन रिपीट करके आऊंगा फिर इसका जवाब तो आपको बेटर वे में पिकअप होगा यंग फाकनर का पहला प्रॉब्लम प्लीज सर मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ माय पीपल आर कमिंग अप सेकंड। कैन आई मिस चैपल टू सर एंड द लास्ट वन And can I go to the station to meet them? So to all of three questions, he responds, no. And imaginatively he says, you can go to blazes for all, I care. Go to places, go to hell. Jao jahannam mein mujhe kya hai? My wife is dead and my child is dead and I wish I were dead myself. तो एट दैट टाइम एक्चुअली ही वॉज लॉस्ट इन टू सच लाइक ट्रेजिक मेमरीज वेन वाज सीकिंग परमिशन फॉर आफ्टरनून ऑफ फॉर नॉट रिटर्निंग द चैपल एंड फॉर सीकिंग परमिशन टू गो टू द स्टेशन एज वेल तो उस परेशानी में वो कहता है कि मुझे क्या जाओ तुम जहां जाओ चले जाओ एक्चुअली ही नॉडेड स्टम्बल डॉन नॉट डिंग नॉटिंग इन पॉजिटिव उसने परमिट कर भी दिया था एंड ही वॉज वॉकिंग विद डिफिकल्ट anybody or to receive condolences. उसकी मेंटल स्टेट ये थी कि उस दिन जिस दिन his वाइफ डेड his चाइल्ड died, कहता था ना कोई आए कंडोलेंस के लिए He wanted to get used to things if he could. फोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स वो नहीं चाहता था उसके साथ सेम्पथीज की जाए वो नहीं चाहता था कि लोग उसके साथ आके शेयर करें वो कहता ठीक है जो हो गया है मैं उसको एक्सेप्ट और ऑन करने की कोशिश करता हूँ ऑफकोर्स उस दिन एक ऐसा इंसिडेंट भी हो गया कि ही टुक इज़ फोर्थ फॉर्म एज़ यूजल आफ्टर कॉल ओवर क्लास भी लगाई सेटिंग दम ग्रामर टू लर्न बाई हार्ट ही वेल्फ स्टेड एट डास्क इन अ कोल्ड कॉन्टीन्यूट उसी कैफियत में खुद तो बैठा रहा और उन्हें कुछ ग्रामेटिकल रूल्स दिए कि आप इन्हें याद करें तो उस दौरान सडनली सामन सेड प्लीज सर देर आर अ लाट ऑफ लेटर्स फॉर यू सर ये आपके लेटर्स आए हैं सो देर वर और ऑफ कोर्स आई भी थे वर ऑल एड्रेस टू हिम बाय नेम ऊपर मिस्टर चेपिंग का नाम लिखा ही टोर दम ओपन वन आफ्टर अदर, सो यह के बाद दीगरे उसने लेटर खोलने शुरू किए बट ईच कंटेन नथिंग बट अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर अंदर लिखा हुआ कुछ भी नहीं था सिर्फ ब्लैंक पेपर था ही थॉट इन अ डिस्टेंट वे दैट इट वॉज रादर पेक्यूलियर तब उसे याद आया कि आज दिन कौन सा है

अप्रैल फूलरी फर्स्ट अप्रैल को स्टूडेंट्स भी क्लास फेलोज भी एक दूसरे को अप्रैल फूल के तौर पे कुछ न कुछ भेजते हैं तो इसके कुछ जानने वालों ने इसको फर्स्ट अप्रैल वाला डे था तो वो ब्लैंक लेटर्स भेज दिए थे मिस्टर चिप्स अभी भी सोच रहा है कि दे है डाइड ऑन द सेम डे दे कौन है हिज वाइफ एंड हिज न्यूली बॉर्न बेबी वाज देर They had died on the same day, the mother and the child just born on April 1st, 1898. So, this was the sad incident of his life to which he was recalling and responding to that student. Thank you very much for patient listening. Allah Hafiz.